तीसहजारी अदालत की घटना के बाद लगातार दो दिन से पूरे दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी है, उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज एक सख्त कदम उठाया है और कहा है कि वकील जल्दी अपने काम पर वापस जाएं, वरना हम अपने को विड्रॉ कर लेंगे जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं एसआईटी में या फिर अदालत के अंदर। हम बात करते हैं बीसीआई चेयरमैन मनन मिश्रा जी से। सर, आपने बहुत सख्त कदम उठाया है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हम स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, एपेक्स बॉडी है देश के वकीलों को रेगुलेट करने के लिए। ऐसी स्थिति में ये हमारा कर्तव्य बनता था कि किसी तरह का वायलेंट एक्ट, किसी तरह की हिंसा, किसी ढंग का तोड़फोड़ वकीलों के तरफ से ना हो। शनिवार को जो कुछ भी हुआ वो पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस ने जितनी ज्यादती हो सकती थी उसने की, गोली तक चला दी, लाठियाँ बरसाईं। उसके बाद हम संडे को हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया, बहुत से रिलीफ दिए। जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड थी बार एसोसिएशंस की, ये उन्हीं की डिमांड थी, उसको हाईकोर्ट ने मान लिया। सीबीआई को, आईबी को, विजिलेंस को असिस्ट करने के लिए बोल दिया, पुलिस के हाथ से मामला निकल गया। अदरवाइज अभी तक पुलिस कितनी फॉल्स एफआईआर लॉज की होती जिसका ठिकाना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कहा है कि कल जो इंसिडेंट हुआ रोहिणी बार में, कड़कड़दुमा में, उसको उनका नाम भेजिए और हड़ताल को या जो भी आपने बहिष्कार का एक रिजोल्यूशन लिया है उसको अविलंब वापस लीजिए। आज 2 बजे हमने कहा है कि अपनी मीटिंग बुलाइए और जो भी गिरफान से आप यहाँ आके कहिए, हम हाई कोर्ट में कहेंगे। हाई कोर्ट से हमने रिलीफ लिया है, आगे भी जो ज़रूरत होगी वो करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहना हमारा है कि जो पुलिस के लोग आज कर रहे हैं आईटीओ पे, पुलिस ऑफिसर्स के इंस्टेंस पे ये हो रहा है, वो अपना स्किन सेव करने के लिए, वकीलों को गलत ढंग से दोषी साबित करवाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए और दबदबा बनाने के लिए आज कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और इसका नोटिस कोर्ट को भी लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए। बीसीआई संडे को हाई कोर्ट में ये मान गया था कि उसका फैसला दुरुस्त है और हम इस पर सहमत हैं, लेकिन आपके वकील क्यों नहीं मान रहे हैं, लगातार हड़ताल पे लगे हुए हैं? इस देखिए, सभी नहीं हैं, फ्यू आर देयर, कुछ लोग हैं और वो भी मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग के बाद, इलेक्शन का मामला है, हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग अपना इलेक्शन में एज लेने के लिए इसको भंजाना चाहते हैं, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो किसी बार के लीडर को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे कोई इलेक्शन लड़ने से, डीसी स्टार्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, अगर ये पुलिस ऑफिसर रियली सीरियस हैं इस मामले में शांति व्यवस्था कायम करवाने के लिए, तो अविलंब उनको अरेस्ट करें और अविलंब उन पर कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है वैसे हम पुलिस से भी उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी अपने लोगों को इनकरेज करने के बजाय उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? अभी तक तो इतने सीसीटीवी फुटेज, इतने वीडियोज आए जिसमें कि वकील हिंसा करते हुए दिखाई दिए। कल साकेत कोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस वालों को पीटा जा रहा था। देखिए, वीडियो, अब चूंकि मामला जुडिशियल इंक्वायरी का है, सीबीआई को, आईबी को, सबको इन्वेस्टिगेट करना है इसको, इसलिए वो वीडियो सही है गलत है ये इस बात में अभी पढ़ना या कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये मामला अब विचाराधीन है कानून के, लेकिन न्यायिक जो जांच हो रही है उसके बाद अगर छन के आएगा कि कौन कौन वकील इसमें दोषी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इतनी इस बात का आपको आश्वासन देते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।